ये क्या तमाशा है? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तमाशा है नुमान? तुम किस किस तरह से मुझे सजा दे रहे हो उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं है। तुमने गुनाह किया है या नहीं, बेहतर होगा ये बात तुम अपने जमीर से पूछो, मुझसे नहीं। नुमान, इतने दिनों से मैंने अपने जमीर को अच्छी तरह झांक कर देखा है, उसमें बेवफाई का कोई निशान नजर नहीं आया मुझे। तुम खुद सोचो, अगर मैं बेवफा होती तो इस घर में रहती? और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है नुमान कि मैं बेवफाई करके तुम्हारे सामने आऊं। ये हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर है। कमाल है ना, ये सब कुछ करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने चेहरे का दाग धो लोगे? फाइज साहब, कम से कम तुमने जो किया उस पर तुम शर्मिंदा नहीं हो, तो मुझसे बहस तो ना करो ना। बहस नहीं कर रही हूँ, तुम्हें सच बताना चाह रही हूँ जो कि तुम सुनना नहीं चाह रहे। क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरी हकीकत पर यकीन कर लिया तो तुम ज़ारा से शादी नहीं कर सकोगे, जिसको तुमने मेरी बेवफाई का जवाब बनाकर रखा हुआ। देखो, तुम्हें जो समझना तुम समझो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुमसे किसी किस्म का कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहता। अच्छा, अगर तुम मुझसे वास्ता नहीं रखना चाहते तो फिर ये सब क्या है? क्यों तुमने मेरे लिए जोड़ा खरीदा? तुम इतने जालिम हो जाओगे नुमान, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। क्या मैंने? हाँ, जारा ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए जोड़ा खरीदा ताकि ताकि मैं तुम्हारी और जारा की शादी में ये जोड़ा पहन सकूं। पता नहीं जारा क्या क्या करती फिरती है। क्यों, क्या हुआ? अब जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जारा को ना तुम पे तरस आ गया होगा, इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए उसने मेरा नाम ले दिया। वरना तुम्हें क्या लगता है कि जिस औरत को मैं अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं, उस औरत के लिए मैं शॉपिंग करूंगा? आप अब तो मुतमईन है ना फहद और मरिया के रिश्ते से? बेटा, सिर्फ मुतमईन नहीं बल्कि बहुत खुश भी हूँ। मेरे जितने भी खदशे थे ना, वो सब दूर हो गए। वैसे शुक्र है कुलसुम कि तुम्हारे घर में भी कोई खुशी का पल आया। लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तुम्हें दुखी देख रही थी। हाँ अब्बा, मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया और वो असगर भी अपने अंजाम को पहुंचा और मेरी बेटियों को सुकून का सांस मिला है। अल्लाह का शुक्र है बहुत। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी बस एक मिनट में आई। अल्लाह, बस अब देखना महनाज भी कितनी खुश रहेगी मेरे साथ।